हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक ऐसे एलिमेंटर एरर के बारे में जो आप अपने वेब डिजाइन के करियर में जरूर फेस करेंगे। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है मैं आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इस एरर का नाम है द प्रीव्यू कुड नॉट बी लोडेड, और इसके साथ में इन ब्रैकेट में लिख के आता है एरर 500। तो जब भी आप इसको लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा सीट स्टाइल मिसिंग। ये दो तीन रीजनों की वजह से होता है, जैसे कि आपने दो प्लगइन सेम प्लगइन इंस्टॉल कर लिया और जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर आपका थीम किसी रीजन से किसी कारण से थीम डिलीट हो चुका है, इसके वजह से भी आता है। तो चलो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके आता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे फिक्स करना है। हम यहाँ पे अभी देख लेंगे कि हमारा जो एरर है वो कहाँ पे आ रहा है। सिंपली हम किसी एक पोस्ट को ओपन करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर, ये देखिए प्रीव्यू कुड नॉट बी लोडेड एरर 500, क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू डिबग। देख लेते हैं कौन सा एरर है। स्टाइल सीट इज मिसिंग, ये एरर आ रहा है हमारे वेबसाइट पे। अभी हम बैक जाएंगे और किसी एक और पोस्ट को ओपन करके देख लेते हैं। ओ देखिए यहाँ पे भी सेम एरर आ रहा है। फिर से हम बैक जाएंगे, सिंपली यहाँ से हम चले जाएंगे अपने प्लगइन सेक्शन में और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन, इंस्टॉल प्लगइन में हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी कैचे है, कैचे रिमूवर प्लगइन है तो उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। देखिए मेरे पास नाइट्रो पैक का प्लगइन है तो मैं उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ से मेरा डीएक्टिवेट हो चुका है और उसके साथ ही ऑप्टिमाइज डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज एक प्लगइन है उसको इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ उसको। एक्टिवेट होने के बाद सिंपली हम जाएंगे डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज के डैशबोर्ड में। ये देखिए मैं अपने डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करके रन ऑल सेलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा रनिंग चालू हो गया। यहाँ पे जितने भी अनवांटेड जो कैचे रहते हैं ये रिमूव हो जाएगा और जो भी रिवीजन है आप बाकी सारे पोस्ट पे वो भी रिमूव हो जाएंगे अनवांटेड। देखिए हमारा रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए हमारा सारे जो भी ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। वे हम क्या करेंगे, एक बार हम फिर से अपने पोस्ट पे जाएंगे, ऑल पोस्ट पे, और सिंपली एक किसी पोस्ट को ओपन करके देख लेंगे। एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे यहाँ पे एक किसी भी पोस्ट पे और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ क्या। देखिए यहाँ पे हमारा वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। सिंपली बैक जाएंगे और अभी हम जाएंगे अपीयरेंस में, थीम सेक्शन में। ये देखिए थीम सेक्शन में हमारा एरर दिखा रहा है द थीम डायरेक्टरी एक्स्ट्रा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि हमारा जो मेन थीम था वो किसी वजह से डिलीट हो चुका है, इसी वजह से अपने जो डायरेक्टरी था वहाँ पे नहीं अवेलेबल है। एक काम करेंगे यहाँ पे सर्च करके आपका जो भी थीम है, आपका मेन थीम है, उसको सर्च कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए मेरा मेन थीम एक्स्ट्रा था तो मैं इसको फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ और यहाँ से एक्टिवेट भी कर देंगे। अभी हम फिर से अपने थीम पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पहले हमारा यहाँ पे दिख नहीं रहा था अस्ट्रा, अभी यहाँ पे हमारा इमेज दिखने लगा। इसका मतलब हमारा जो अस्ट्रा है वो फिर से इंस्टॉल हो चुका है। और सिंपली हम जाएंगे अपने फिर से ऑल पोस्ट पे, वहाँ से किसी एक पोस्ट को एडिट विथ एलिमेंटर किसी एक पोस्ट पे करेंगे। ये देखिए हमारा पोस्ट ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ पे सिंपली कुछ भी जो भी करना है आप कर सकते हैं।
हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। एग्जिट विद डैशबोर्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से अपने वर्डप्रेस के मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं, वर्डप्रेस के सेक्शन में। अब यहाँ पे सिंपली किसी एक और पोस्ट को ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा सब में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर एक ही में हुआ है। हमारा सभी पोस्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। गाइज, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।